today I am going to teach you Fine Art Painting Unit 2nd Chapter 1st The Mughal School of Art. Students, आज मैं आपको मुगल स्कूल ऑफ आर्ट चैप्टर की पेंटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. आर्टिस्ट मिस्किन. स्कूल अकबर स्कूल. पीरियड 1585 टू 90 एडी. मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर. कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर. This painting is based on the story of Lord Krishna. This painting's theme has been taken from the Bhagavad Puran. This painting's scene is of that time there Krishna once lifted the Govardhan mountain of his little finger of his left hand to save the people of Gokul. Description. It is an early painting of Akbar time. In this vertical painting, Krishna was shown lifted Mount Govardhan on the little finger of his left hand. A big multicolored mountain with deers, monkeys, trees, shrubs and grass has been painted. Under the mountain, all Brijvasi have gathered with their cattle to get Krishna shelter from the deluge caused by the agri rain god Indra. On the top, sky is shown with blue color. Even under the mountain, dark blue color sky is shown. Lord Krishna is painted in large size. Krishna is dressed in his deep yellow with a large garland of white flower. Standing is a relaxed posture lifting the huge mountain effortlessly. On the right side of Krishna, a tree is shown is bright green color. Mostly figures are one and half chasham, which is also an influence of Persian art. Students, subject matter में यह बताया गया है कि यह painting भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित है. इस painting का विषय भगवत पुराण से लिया गया है. इस painting में उस समय के दृश्य को दिखाया गया है जब श्री कृष्ण ने एक बार गोकुल के लोगों को बचाने के लिए अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था. डिस्क्रिप्शन में यह बताया गया है कि यह अकबर के काल की आरंभ की पेंटिंग है. इस वर्टिकल पेंटिंग में कृष्ण अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं. हिरण, बंदर, पेड़, झाड़ियां और घास के साथ एक बड़ा बहुरंगी पहाड़ चित्रित किया गया है. पर्वत के नीचे सभी ब्रिजवासी अपने जानवरों के साथ क्रोधित बारिश देवता इंद्र द्वारा उत्पन्न जल प्रलय से कृष्ण की शरण पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं. सबसे ऊपर आकाश ब्लू कलर का दिखाया गया है. पर्वत के नीचे भी डार्क ब्लू कलर का आसमान दिखाया गया है. भगवान कृष्ण को विशाल रूप में चित्रित किया गया है. कृष्णा ने डीप येलो कलर के कपड़े पहने हैं. वह वाइट फूलों की एक बड़ी माला के साथ विशाल पर्वत को सहजता से उठाए हुए खड़े हैं. कृष्णा के राइट साइड एक चमकदार ग्रीन कलर का पेड़ दिखाया गया है. अधिकतर आकृतियाँ डेढ़ चश्म वाली हैं, जो फारसी कला का भी प्रभाव है. स्टूडेंट्स, डेढ़ चश्म मीन्स किसी के फेस में एक आईज कंप्लीट शो करना और एक आईज हाफ शो करना डेढ़ चश्म कहलाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेंटिंग फॉल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट. आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर. पीरियड 1618 टू 1620 एडी सिरका. मीडियम टेम्परा वाटर कलर. कटसी महाराजा स्वाइन मान सिंह म्यूजियम सिटी पैलेस जयपुर. सब्जेक्ट मैटर. दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन जहांगीर लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. जहांगीर वाज फॉन्ड ऑफ रेजिंग फाल्कन हु कलेक्टेड एक्सीलेंट फाल्कन फ्रॉम डिफरेंट पैलेस. ए हाई क्वालिटी फाल्कन ब्रॉट फ्रॉम पर्सिया हुम वाज किल्ड बाय द कैट. जहांगीर आस्क्ड हिज पेंटर्स टू पेंट हिज प्रेसर्स पेट फाल्कन टू बी प्रिजर्व्ड इन जहांगीरनामा. डिस्क्रिप्शन. दिस फेमस पेंटिंग वॉज मेड बाई उस्ताद मंसूर ड्यूरिंग जहांगीर टाइम. उस्ताद मंसूर न्यू द फॉन्डनेस ऑफ एम्परर फॉर हिज पेट फाल्कन. इन दिस पेंटिंग ए पेट फाल्कन इज सिटिंग ऑन ए कुशन्ड बर्ड रेस्ट. On the bird rest, Nadir ul Asar is signed by the Ustad Mansur, who was awarded this title. The crude eyes of Falcon can be seen in this painting.
The falcon is painted in white against a yellow background. The folded wings are depicted in detail by brown color. A sharp beak and round eyes is painted in light brown and yellow ochre deep color. Three words, Jahangir Patsa at top, Bhari near the falcon and Uttam on the bottom are written. Jahangir Patsa means at the time of Jahangir, Bhari means falcon and Uttam means excellent. Students, subject matter में यह बताया गया है कि painting जहांगीर के पक्षियों व जानवरों के प्रति प्रेम पर आधारित है. जहांगीर को बाज पालने का शौक था जिन्होंने विभिन्न स्थानों से उत्कृष्ट बाज एकत्रित किए थे. एक उच्च कोटि का बाज फारस से लाया गया था जिसे कैट ने मार दिया था. जहांगीर ने अपने चित्रकारों से अपने कीमती पालतू बाज को जहांगीरनामा में चित्रित करने के लिए कहा. डिस्क्रिप्शन में यह बताया गया है यह फेमस पेंटिंग उस्ताद मंसूर ने जहांगीर के समय में बनाई गई थी. उस्ताद मंसूर अपने सम्राट के पालतू बाज के लिए शौक को जानते थे. इस पेंटिंग में एक पालतू बाज एक गद्देदार पक्षी टेक पर बैठा हुआ है. पक्षी टेक मीन्स बर्ड्स रेस्ट. पक्षी टेक पर नादिर उल असर को उस्ताद मंसूर द्वारा लिखा गया है जिसे इस उपाधि से सम्मानित किया गया था. इस पेंटिंग में बाज की क्रूर आंखें दिखाई दे रही हैं. बाज को येलो बैकग्राउंड के खिलाफ वाइट कलर में चित्रित किया गया है. मुड़े हुए पंखों को ब्राउन कलर द्वारा विस्तार से चित्रित किया गया है. एक तेज चोंच और गोल आंख को लाइट ब्राउन और येलो ओकर डीप कलर से चित्रित किया गया है. तीन शब्द जहांगीर पातशाह ऊपर, बहरी बाज के पास और उत्तम नीचे लिखा गया है. जहांगीर पातशाह का अर्थ है जहांगीर के समय, बहरी का अर्थ है बाज और उत्तम का अर्थ है बहुत अच्छा. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेंटिंग कबीर एंड रैदास, आर्टिस्ट उस्ताद फकीरुल्ला खान, पीरियड सिरका 1640 AD, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर, This painting is of the time of Dara Shikoh, son of Shah Jahan, who respected all religious equally. This painting shows two great sons of that time, Kabir and Raidas. Dara Shikoh, being a Muslim, has shown Hindu sons in the painting. Description: In this horizontal painting, Sant Kabir is shown wearing cloth in handloom, but he is in the concerned mood. The other Sant Raidas sitting close by in also in the same mood. Both are considering the same religious topic. The painting brings simple and peaceful Indian village life where work is worship. The huts of the sons are in rural Indian village. The colors used are brown and light blue. The border of the painting is light brown and shades are very fine. Dara Shikoh, son of Shah Jahan, respected both Hindu and Muslim sons. This is the masterpiece of the painting painted during that time. Students, subject matter में यह बताया गया है कि यह painting Dara Shikoh, Shah Jahan का बेटा, के समय की है. वह सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था. यह पेंटिंग उस समय के महान संतों कबीर और रैदास को दर्शाती है. दारा शिकोह एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू संतों को दिखाया है. डिस्क्रिप्शन में यह बताया गया है कि इस हॉरिजॉन्टल पेंटिंग में संत कबीर को हथकरघे में कपड़ा बुनते हुए दिखाया गया है, परंतु वह चिंता के भाव में हैं. दूसरे संत पास में बैठे हुए रैदास भी उसी भाव में हैं. दोनों एक ही धार्मिक विषय पर विचार कर रहे हैं. पेंटिंग साधारण व शांति प्रिय ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत करता है जहाँ पर कार्य ही पूजा है. संत की झोपड़ियाँ भारतीय ग्रामीण इलाके की हैं. ब्राउन एंड लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया गया है. पेंटिंग का बॉर्डर लाइट ब्राउन है और शेड्स बहुत फाइन हैं. दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र हिंदू और मुस्लिम दोनों संतों का सम्मान करता था. यह पेंटिंग उस समय का मास्टरपीस है. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, आर्टिस्ट हाजी मदानी, पीरियड सिरका 1750 AD, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर,
साइज 43 by 32 cm, कटसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर: दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह. दिस पेंटिंग शो दैट द आर्टिस्ट वॉज अवेयर ऑफ द हिस्टोरिक वेडिंग ऑफ दारा शिकोह. डिस्क्रिप्शन: दिस वर्टिकल पेंटिंग द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह इन एन एक्सीलेंट पेंटिंग ऑफ द मुगल स्टाइल इन विच ही राइडिंग अलर्ट ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स while his father is also riding on another decorated horse just behind Dara Shikoh horse. There are three attendants behind him, one of which has a burning candle in its hand, the other holding the horse, and the third has chori in his hand. The royal people are shown riding horse and some are on foot proceeding toward the bride house. A large group of men and women are happily welcoming the procession. Most of the figures and face are ek chasham. The fabular characters of the marriage procession suggest that the artist was aware of historical account of Dara Shikoh. At that time, 32 lakh rupees were spent on Dara Shikoh marriage, half of which was spent by his sister Jahan Ara Begum at the behest of his mother Mumtaz Mahal. An amazing display of various type of fireworks can be seen in the background, well decorated border in their white, red, green, maroon, bright blue and grey black color have been used. Golden color has also been used at important place. This painting brings forth all the gaiety and joy of the festive occasion. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर में यह बताया गया है कि यह पेंटिंग दारा शिकोह की शादी की बारात पर आधारित है. इस पेंटिंग से पता चलता है कि आर्टिस्ट को दारा शिकोह की ऐतिहासिक शादी के बारे में पता था. डिस्क्रिप्शन में यह बताया गया है कि यह वर्टिकल पेंटिंग दारा शिकोह की बारात मुगल शैली की एक उत्कृष्ट पेंटिंग है जिसमें वह एक सजे हुए घोड़े पर सवार थे, जबकि दारा शिकोह के घोड़े के ठीक पीछे उनके पिता भी एक अन्य सजे हुए घोड़े पर सवार हैं. उनके पीछे तीन परिचारक हैं जिसमें से एक के हाथ में जलती मोमबत्ती है, दूसरा घोड़े को पकड़े हुए है और तीसरे के हाथ में चोरी है. शाही लोगों को घुड़सवारी करते दिखाया गया है और कुछ लोग दुल्हन के घर की ओर पैदल चल रहे हैं. पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा समूह बारात का खुशी से स्वागत कर रहा है. सभी फिगर्स एंड फेस एक चश्म हैं. एक चश्म मीन्स एक जैसे साइड फेस. शादी के जुलूस के शानदार चरित्र से पता चलता है कि आर्टिस्ट को दारा शिकोह की ऐतिहासिक शादी के बारे में पता था. उस समय दारा शिकोह की शादी पर 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसका आधा हिस्सा उसकी बहन जहां आरा बेगम ने अपनी मां मुमताज महल के कहने पर खर्च किया था. बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के आतिशबाजियों का एक अद्भुत प्रदर्शन देखा जा सकता है. किनारे सुंदर डेकोरेट हैं, वाइट, रेड, ग्रीन, डार्क रेड, लाइट ब्लू, ग्रे ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है. इंपॉर्टेंट जगहों पर गोल्डन कलर का यूज़ किया गया है. यह पेंटिंग उत्सव के अवसर के सभी उल्लास और आनंद को सामने लाती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.